पुंडरी के साथ लगते गांव फतेहपुर में मां मनसा देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें हर वर्ष नवरात्रों में भारी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तजन देश ही नहीं विदेशों से भी आकर मां मनसा देवी के दर्शन करते हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछले सालों से मेले के आयोजन में भक्तजन अधिक रुचि नहीं ले रहे थे, लेकिन इस बार लोगों की अपार भीड़ देखते हुए मेले के समुचित प्रबंध किए गए हैं। जहां मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह पर सुरक्षा गार्ड नियुक्त किया गया, वहीं मंदिर में लगभग 2 से 3 एकड़ में फैला हुआ है। श्रद्धालुओं के रहने के लिए यहां विशेष रूप से कमरों का भी प्रबंध किया गया है, जिसमें बाहर से आने वाले श्रद्धालु रात को यहां विश्राम कर सकते हैं और स्नान करने के लिए उन्हें बहुत पहले से छोटे तालाब का भी निर्माण करवाया हुआ है। वहीं मौसम को देखते हुए गर्मी में श्रद्धालुओं के लिए पंखे व कूलर का विशेष प्रबंध किया गया है। इस मेले में मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पुंड से विजय मिगलानी की रिपोर्ट। कहां से आए हो आप? कितने साल हो गए आपको यहां आते हुए? 32 साल। क्या मान्यता आपकी इस मंदिर के? मान्यता सब कुछ इसके लिए दीदी ना हमारे। नहीं, यहां क्या मिलता आपको आके? सुकून मिलता है। ये मंदिर बहुत पुराना है जी, बड़ा प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है इसकी। कम से कम 20 गांव से आदमी यहाँ आते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में काम करते हो या कहीं हिंदुस्तान में कहीं भी काम करते हो, आते हैं, माता की धोक लगाते हैं, माता की पूजा करते हैं, माता का प्रसाद बांटते हैं। ये पुराना मंदिर है, कम से कम ये 400 साल पुराना मंदिर है। क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता है जी, पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान के लिए, सुख के लिए, धन संपदा के लिए, सब काम के लिए यहाँ आदमी आते हैं। सब अपने वो मुंडन वगैरह का काम भी करवाते हैं बच्चों के लिए। दो बार मेला लगता है तो कितनी संख्या में लोग आ जाते हैं? ये कम से कम यहाँ 2 लाख आदमी तो कम से कम आते होंगे।